ये देखिए हम आपके लिए आज टोपी बताने जा रहे हैं कि किस तरह टोपी बनाई जाती है। और इस टोपी बनाने के लिए हमने इसमें 70 फंदे डाली हूँ मैं, और ये 4 सिलाइयाँ मैं इसमें उल्टा बना भी चुकी हूँ। देखिए इस तरह सीधी सीधी सिलाई दोनों तरफ से बनाई हूँ इसमें। और ये टोपी हम 1 से 2 महीने तक के बच्चे को आराम से ये टोपी आ जाएगी। देखिए इस तरह, देखिए। और मैं इसमें एक सिलाई आपको बता भी देती हूँ कि किस तरह हमने ये उल्टा उल्टा बनाया है। देखिए इस तरह पहला फंदा इसी तरह उतारे हैं, और दोनों तरफ से हम सीधा ही इसको देखिए इस तरह बनाए हैं। देखिए इस तरह दोनों तरफ से हमने इसको सीधा बनाया है। ये एक सिलाई में पूरी आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह हमें इसमें बनानी है दोनों तरफ से। चलिए ये सिलाई मैं पूरी कर लेती हूँ। देखिए इस तरह ये सिलाई पूरी कर लेती हूँ। इसी तरह हमने ये दोनों तरफ से बनाया है इसको। देखिए हम सीधी सिलाई पे आ गए। अब सीधी सिलाई में हमें क्या करना है, ये हमारी सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 यानी कि 12 सिलाइयाँ हमने इसमें दोनों तरफ से कर ली हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा ध्यान से देखिए। पहला फंदा हम इस तरह उतारेंगे, और हर फंदे में से इस तरह फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह, सत्तर फंदे हैं हमारे इसमें, हमें 70 फंदे। देखिए इस तरह हम हर फंदे पे देखिए डबल करके फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए हमें इसमें डबल फंदे करने हैं। देखिए इस तरह फंदा हमें ऐसे बढ़ाना है, फिर एक पीछे से इस तरह। देखिए इस तरह देखिए पूरी सिलाई हमें फंदों से पूरी सिलाई हमें बढ़ानी है। इसी तरह हम पूरी सिलाई पे फंदे पूरे बढ़ा लेंगे, डबल फंदे कर लेंगे। देखिए इस तरह ही चलिए सिलाई में पूरी कर लेती हूँ। जहाँ से मैं फंदे बढ़ा रही हूँ पहली सिलाई चल रही है हमारी, ये देखिए फंदे की सिलाई हमने पूरी कर ली है। ये फंदे बढ़ा लिए हैं इसमें, 70 फंदे हमने डाले थे और 70 ही बढ़ा लिए हैं इसमें। अब ये देखिए हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ हमें क्या करना है, ये सारी रो उल्टी ही बनानी है। देखिए इस तरह इसको हम पूरा उल्टा ही बनाएंगे। डबल फंदे हमने इसमें कर लिए हैं। देखिए ये सिलाई मैं पूरी कर लेती हूँ। उल्टी सिलाई हमें इसी तरह उल्टी ही बनानी है। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह हमारी ये सीधी है और ये इधर उल्टी लाइन। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह हमें इनको उल्टा ही बनाना है सारे फंदों को। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उनको भी हमें इसी तरह बुन लेना है उल्टा उल्टा। देखिए इस तरह, और ये हमारी इधर पहली सिलाई बढ़ी हुई थी और इधर हमारी दूसरी सिलाई चल रही है। देखिए इसको पूरा उल्टा ही बनाएंगे।
उल्टी सिलाई हमने कर ली है। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। अब हमें सीधी सिलाई पे ये हमें 10-12 सिलाई सीधी ही बनानी है। देखिए इस तरह, इसमें कुछ नहीं करना है। जो बड़े हुए फंदे हैं हमारे, सब इसी तरह हमें 10-12 सिलाई इसी तरह बनानी है। देखिए इनको इस तरह बना लेंगे, इधर से सीधा और इधर से उल्टा। देखिए इस तरह, पूरी रो हम इसी तरह कर लेंगे। देखिए 10-12 सिलाई मैं इसी तरह बना लेती हूँ पहले। देखिए देखिए हमने ये सीधी सीधी सिलाई बना ली है। 14 सिलाई हमने ये बनाई है सारी, देखिए इस तरह। और ये हमारी सीधी तरफ है, ये हमारा उल्टा है। अब उल्टे तरफ हम क्या करेंगे, इसमें ये वाइट कलर लगाने जा रहे हैं हम इसमें। देखिए उल्टी तरफ से हम इसमें वाइट कलर लगा लेंगे पहले। देखिए ये हमने वाइट कलर लगा लिया है। और ये देखिए हम वाइट कलर की पूरी रो देखिए उल्टी इसी तरह बना लेंगे हम। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 10 नंबर की सिलाई से ये बॉर्डर बनाया है इसका। और अब इसमें हमने ये सादा जो बनाया है ये 9 नंबर की सिलाई चलाई है इसमें, देखिए इस तरह। और ये 10 से बनाया है, देखिए वाइट की हम इसी तरह पूरी सिलाई उतार लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है पूरी, देखिए इस तरह। हम आगे अब सीधी सिलाई पे, और सीधी सिलाई हम इसी धागे की चलाएंगे वाइट की, देखिए इस तरह। देखिए पहला फंदा हम इसी तरह उतारेंगे, आगे धागा कर लेंगे। और दो को करते हुए देखिए इस तरह जाली बना देंगे। देखिए इस तरह आगे धागा करेंगे और दो को एक करते हुए जाली बना देंगे, देखिए इस तरह। फिर आगे धागा करेंगे, दो को एक करते हुए जाली, फिर आगे धागा, दो को एक करते हुए जाली, देखिए इस तरह। देखिए आगे धागा, दो को एक करते हुए जाली, देखिए इसी तरह हम जाली डालते हुए पूरी सिलाई को करेंगे। देखिए इस तरह, इस तरह देखिए, दो को एक करते हुए जाली, देखो इस तरह आगे धागा, दोनों को एक साथ लेते हुए, देखिए इस तरह जाली। देखिए हमने दो घटाए हैं तो दो हमारे बढ़ चुके हैं, एक दो। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई करेंगे इसको। चलिए मैं ये सिलाई पूरी कर लेती हूँ इसी तरह। पूरी सिलाई हमने देखिए दो को एक करते हुए कर ली है। जालियाँ डाल रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए इस तरह, और इसको लास्ट वाले फंदे को सीधा ही इस तरह बनाएंगे।
अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए उल्टी तरफ हम ये ही कलर लगाएंगे अब इस तरह। देखिए इसी को ऑरेंज को ही लगाएंगे, देखिए इस तरह, और पूरी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे, देखिए इस तरह। देखिए पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बनानी है इस तरह ही, देखिए इस तरह आएगा हमारा। चलिए मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ। ये हमारी उल्टी सिलाई ये पूरी हो चुकी है, देखिए पूरा हमने इसको उल्टा बना लिया है। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं। देखिए वाइट की हमने ये दो ही सिलाइयाँ डाली हैं इसमें। अब हमने जो जितनी नीचे ये सिलाई बनाई है ऊपर को भी हम 14 सिलाई इसी तरह बना लेंगे, देखिए इस तरह सीधी सीधी। इसको हमें कुछ नहीं करना है, पूरा सीधा इसी तरह बनाना है। उतना ही हम ऊपर को भी बना लेंगे, देखिए इस तरह। देखिए इस तरह पूरी सिलाई जितना हमने ये बनाया है इतना ही हम ऊपर भी इसी तरह बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें फंदे घटाएंगे, आपको फिर बताते हैं फंदे घटाना। पूरी सिलाई हम सीधी सीधी इसी तरह बना लेते हैं पहले। जितना हमने नीचे बनाया था इतना हमने ऊपर बना लिया है। ये देखिए 14 सिलाइयाँ नीचे बनाई थी, 14 ही ऊपर बनाई हैं डबल करके, देखिए इस तरह। अब ये देखिए फ्रेंड्स हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। अब हम पहला फंदा इसी तरह उतार लेंगे, बढ़ाने के लिए भी हमने इसी तरह उतारा था। अब हम जैसे कि हमारे ये 70 फंदे थे और हम इन्हें हमने यहाँ से इनमें डबल करे थे, ये 70 फंदे डाली थी और 70 ही बढ़ाए थे और हम इसमें कम करेंगे। देखिए इसी तरह हम 70 ही फंदे रहने देंगे, अब इसमें कम करते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह घटाते हुए दो दो करके, देखिए इस तरह। देखिए इनको हम 70 फंदों को कम कर देंगे अब इसमें से। देखिए दो दो करके इसी तरह हमें ये घटाने हैं। पूरी सिलाई हम इसी तरह घटा लेंगे इनको। दो दो करके इसी तरह पूरी सिलाई घटा देंगे हम। देखिए ये हमारे फंदे पूरे घट चुके हैं, देखिए इस तरह इनको हमने इस तरह घटाया है। देखिए देखिए हमने ये हमारे अब 70 फंदे रह गए हैं, 70 हमने इनमें से घटा दिए।
70 फंदे हमारे ये रह गए हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसमें वाइट कलर लगा लेंगे, देखिए इस तरह। देखिए उल्टी सिलाई पे हमने वाइट कलर लगा लिया है, देखिए इस तरह। अब इसकी हम इसी तरह ऊपर बुनाई करेंगे। पूरी सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दो सिलाइयाँ वाइट की बना ली हैं, देखिए इस तरह। एक उल्टी बनाई है और एक सीधी बनाई है, और चार सिलाइयाँ हम वाइट से ही बनाएंगे ऊपर की, देखिए इस तरह। यहाँ से हमारा इस तरह ये मुड़ जाएगा, देखिए इस तरह। और ऊपर का हम इसी तरह बनाएंगे, देखिए। अब ये सिलाई हम उल्टी तरफ से सीधी बनाएंगे, देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह उल्टी सिलाई को इसी तरह बनाएंगे, देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए इस तरह हमने इसकी ये झल्लर बनाई है, देखिए इस तरह। कैप के आगे इस तरह माथे पे इस तरह जो रहती है ये, देखिए इसको इस तरह हमने बना लिया है। और यहाँ से हम अपने बच्चे के अनुसार इतनी बड़ी बना लेंगे इसको, देखिए इससे ऊपर, देखिए इस तरह ये मुड़ करके इस तरह आ जाएगी। तो चलिए इसकी और बुनाई कर लेते हैं हम। अपने हिसाब से इसको हम इसकी लंबाई कर लेंगे। देखिए उल्टी सिलाई हम इसको सीधा बना रहे हैं। जहाँ भी हमारा वाइट कलर आएगा उसको हम इसी तरह बनाएंगे, और ऑरेंज का इसी तरह सीधा ही बनाएंगे। देखिए हमने ये चार सिलाइयाँ ये बना ली हैं वाइट की, और हम ये पांचवी सिलाई बनाने जा रहे हैं। देखिए वाइट से ही हम थोड़ा इसको छह सिलाइयाँ बना लेंगे, देखिए इस तरह। कि हम इनकी छह सिलाइयाँ बनाएंगे वाइट की, और ऊपर से फिर ऑरेंज ही डालेंगे इसके ऊपर। देखिए इसमें हमने फ्रेंड्स इसकी लंबाई कर ली है, देखिए ये हम इस तरह इसको मोड़ देंगे, और इसकी हमने लंबाई कर ली है। और ये हमारे पास ऊन थोड़ी कम पड़ गई है, और हम इसमें अब वाइट ही लगाएंगे ऊपर से। और ये देखिए हमने छह सिलाइयाँ इनकी बनाई हैं उल्टी, देखिए इस तरह, और छह ही सिलाइयाँ इनकी सीधी बनाई हैं, देखिए इस तरह। इसमें इस तरह बनाया है, देखिए इस तरह। ये छह सिलाइयाँ वाइट की उल्टी बनाई हैं, और ये छह सिलाइयाँ सीधी ऑरेंज की बनाई है, देखिए इस तरह हमने इसको बना लिया है। अब आगे और आपको बताते हैं, देखिए किस तरह हम इसको फंदे फिर से घटाएंगे।
और ऊपर हम सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बनाएंगे सारी। देखिए दो, देखिए इस तरह तीन हो गए, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब ये देखिए किस तरह हम इसको घटाएंगे यहाँ से। देखिए जिस तरह हम गले की फरी बनाते हैं स्वेटर की, इसी तरह हम इस पर यहाँ तीनों को एक साथ करके देखिए इस तरह, ऐसे इस तरह हम इनको घटाते हुए जाएंगे। फिर से हम आठ फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। देखिए आठ फंदे हमने बुन लिए हैं। देखिए ये वाला बीच वाला फंदा देखिए इस तरह करके, देखिए इस तरह, ये बाद का फंदा देखिए इस तरह ले लेंगे और इस फंदे को इस तरह इसमें सीधा करके कर लेंगे। जिस तरह हम गले की फरी बनाते हैं देखिए इस तरह तीनों को पकड़ के पीछे की तरफ से इस तरह घटा देंगे। देखिए फिर आठ फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। देखिए फिर से ध्यान से इस तरह और आगे की तरफ बीच वाला फंदा आगे की तरफ ले लेंगे। देखिए इस तरह पलट के और तीनों को इस तरह पीछे की तरफ से देखिए और इसकी बुनाई कर देंगे। देखिए इस तरह फिर से आठ फंदे। अब हम पूरी सिलाई इसी तरह कर लेते हैं इसको। लास्ट में हमारे फंदे थोड़े कम बैठ रहे हैं तो हम इधर की साइड सात फंदे लिए हैं और यहीं से हम देखिए इस तरह इनको और पीछे की तरफ से देखिए इस तरह हमें घटा देने। ये चार ही फंदे हमारे लास्ट में आ रहे हैं देखिए इस तरह, और उल्टी सिलाई हमें सारी उल्टी ही बनानी है। देखिए जब तक हमें ये बनानी है इसी तरह हर सिलाई पे तब तक हमारे फंदे कम नहीं हो जाते। उल्टी सिलाई हमें इसी तरह उल्टी ही बनानी है और हर सिलाई पे इसी तरह दो दो फंदे हम घटाते हुए आएंगे। उल्टी सिलाई कर लेती हूँ। देखिए फिर से सीधी सिलाई पे आ गए। पहला फंदा उतारेंगे, एक बार और बताते हैं दी हूँ किस तरह घटाएंगे हम इनको, तीन, चार, पाँच, छः, सात। देखिए इस बार हम सात ही फंदे बनाएंगे और फिर आठवें फंदे को देखिए इस तरह हमने छोड़ा है, ये दिख रही है आपको बीच में, और देखिए इस तरह ही इनको पीछे की तरफ से इस तरह ही घटाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह अब ऊपर तक हमें इसी तरह बना लेना है थोड़ा। ये हमारे फंदे इसी तरह कम होते जाएंगे। देखिए दो दो फंदे हमारे यहाँ पर इस तरह घट रहे हैं। देखिए इस तरह इसी तरह पूरी सिलाई बना लेते हैं। यहाँ तक हमने इसको बीच में दो दो फंदे छोड़े हैं देखिए इस तरह, और ये सारे हमारे 25 फंदे रह गए हैं। देखिए इस तरह
और इसकी बुनाई पूरी हो चुकी है देखिए। अब इनको हम क्या करेंगे देखिए, देखिए दुल्लर धागा हम ले लेंगे और इस सुई में और इन्हें सारे फंदों को सुई में भर लेंगे। देखिए इस तरह हम इनको सुई में उतार लेंगे। देखिए दुल्लर धागे में हमने सुई में उतारने हैं। देखिए इस तरह करके और इसमें गांठ लगा देंगे। देखिए देखिए इस तरह इसमें ऐसे इस तरह गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसको बंद कर दिया है और इस धागे को इसी तरह छोड़ दिया है। अब ये देखिए इस तरह हम इसकी यहाँ से इस तरह पूरा इसको सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह, चलिए सिलाई कर लेते हैं इसको। हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए पूरा हम इसको इसी तरह सिल लेंगे यहां तक। फ्रेंड्स ये हमने इसकी पूरी सिलाई कर ली है। अब इसको हम इस तरह देखिए इस तरह इसको मोड़ लेंगे। अब ये हमें सिलाई यहाँ से करनी है इसकी। देखिए जहाँ से हमने ये फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ से जहाँ से हमने इनको घटाया है, देखिए इस तरह यहाँ से पकड़ कर इस तरह सिलाई करेंगे हम इसकी। देखिए झोल नहीं आना चाहिए, देखिए बराबर एकदम से। देखिए इस तरह और इसको सिलाई कर लेंगे। देखिए जहाँ से फंदे बढ़ाए हैं एक फंदा वहाँ से लेंगे और जहाँ से एक घटाया है, देखिए इस तरह हम इसको सिलाई कर रहे हैं। देखिए ऐसे, देखिए इस तरह। देखिए चारों तरफ से इसी तरह सिलाई कर लेंगे इसकी। देखिए एकदम साफ साफ दिख रहा है इसको इसी तरह। चलिए पूरी सिलाई हम कर लेते हैं। देखिए इस तरह ये हमारा आएगा। बता देते हैं किस तरह इसकी सिलाई करिए। देखिए इसको
देखिए ऐसे इसको नहीं पकड़ा है हमने, इसको इस तरह छेकते हुए देखिए इस तरह जहाँ से फंदे बढ़ाए हैं वहाँ से पकड़ा है हमने, और जहाँ से घटाए हैं वहाँ से पकड़ा है। देखिए इस तरह ही हमने इसकी सिलाई कर ली है पूरी। देखिए इसको पूरा हमने सिल लिया है, इसकी हमने पूरी सिलाई कर ली है। देखिए इस तरह, देखिए ये देखिए, और आराम से हमारे बच्चे के टोपी आ जाएगी। देखिए इस तरह हमने इसको बनाया है। इस तरह हमारी ये टोपी बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह, देखिए। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।